नमस्कार दोस्तों, यादों के सफर में इस सीरीज में हम आपको उस अभिनेत्री से मिलवाने वाले हैं जिसने एक जमाने में फिल्मी इंडस्ट्री के रंगीन सितारे अपने नाम किए थे। वो बात अलग थी कि उनकी फिल्में उस पैमाने पर हिट नहीं होती थी जिससे ये अभिनेत्री सुपरस्टार कहलाए, पर इनकी खूबसूरत सूरत और लाजवाब एक्टिंग के कारण सैकड़ों दर्शक घायल हो गए थे। आज हम याद कर रहे हैं मशहूर अदाकारा कुमुद चुगानी जी को। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। उस जमाने का मशहूर फिल्मकार और छत्तीसगढ़ राज्य से आया पहला अभिनेता किशोर साहू से काफ़ी लोग परिचित होंगे। इन्हीं किशोर साहू ने कुमुद चुगानी जी की खोज की थी। हमारे अनुसार से कुमुद जी का जन्म सिंधी परिवार में 1947 के साल में हुआ था। पटना में ही बचपन गुजरा और यहाँ के कैरमल स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी। पढ़ाई लिखाई के अलावा उन्हें कथक में भी महारत हासिल थी। शायद इसीलिए किशोर साहू ने इन्हें फिल्मी रास्ता दिखाया होगा। कुमुद के साथ ये बदकिस्मती थी कि जिस इंसान ने उन्हें लॉन्च किया उसी इंसान के कारण कुमुद को उतरन का सामना करना पड़ा। दरअसल 1964 के साल में किशोर साहू पूनम की रात फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में उन्हें नवोदित कलाकार चाहिए थे। मनोज कुमार उस वक्त भारत कुमार भी नहीं थे और हाल ही में उनकी कुछ हॉरर कम सस्पेंस मूवीज रिलीज हुई थी। पूनम की रात भी उसी प्रकार की फिल्म थी पर उसमें लव ट्रायंगल भी दिखाया गया है। किशोर साहू कुमुद की खूबसूरती से काफ़ी प्रभावित हो गए और उन्हें इस फिल्म के लिए साइन कर दिया। पर यहाँ किशोर जी ने कुमुद के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत कुमुद दूसरे फिल्मकारों के साथ काम नहीं कर सकती थी। पर आगे जो हुआ उसका अंदाज़ा किशोर साहू को बिल्कुल नहीं था। फिल्म ने उस वक्त कमाल तो किया नहीं पर आगे चलकर ये फिल्म हिट होने लगी। पूनम की रात 1965 में रिलीज हुई थी। उस वक्त बदकिस्मती से किशोर साहू का फिल्मी सफर भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। पूनम की रात उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुमुद दूसरे फिल्मों में काम कर नहीं पाई और साथ ही किशोर साहू ने भी कोई बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट किया नहीं। अगले 1 साल तक कुमुद इंतज़ार करती रही पर आखिर में उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। उनकी अगली फिल्म लाडला रिलीज हुई पर फ्लॉप का धब्बा लगने के कारण कुमुद को अपना करियर संकट में दिखने लगा। आगे चलकर वासना और शर्त इन दो फिल्मों ने थोड़ा बहुत कमाल करके दिखाया पर कुमुद के करियर को थोड़ा सा भी आधार नहीं मिला। पूनम की रात इस फिल्म के रिलीज के बाद दर्शक और अन्य फिल्मकार के लिए कुमुद चुगानी ये नाम जाना पहचाना सा हो चुका था। एक तरफ उनकी खूबसूरती की तारीफ होती थी तो दूसरी तरफ उनकी फिल्मी मंजिल दूर होती जा रही थी। मुजरिम, बंदे हाथ, प्रेम नगर, रेशम की डोरी, ये कुमुद जी की कुछ हिट फिल्में थी जो अगले 10 साल में रिलीज हुई थी। कुमुद जी का असली जमाना तब आया जब उन पर फिल्माया ये गीत मशहूर हुआ, बहना ने भाई के कलाई पे प्यार बांधा है। रेशम की डोरी फिल्म का ये गीत आज भी टीवी पर आता है। खास तौर पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर घर घर में ये गीत सुनने को मिलता है। इस गीत के साथ ही कुमुद चुगानी की यादें ताज़ा हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 20 साल गुजारने के बाद भी मेहनत का फल ना मिलते हुए देखा तब कुमुद ने यहाँ से निकलना ही सही समझा और 1986 की किस्मत वाला कुमुद की आखिरी फिल्म साबित हुई। आज के ज़माने कुमुद कहाँ हैं इस पर अलग अलग बातें कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंबई में रहती हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि कुमुद शादी के बाद विदेश शिफ्ट हुई थी। उनके पति का नाम सत्य प्रकाश ऋषि है जिनसे उन्हें कोई संतान नहीं है। कहा जाता है कि 2011 के साल में सत्य प्रकाश ऋषि का निधन हुआ था। कुमुद चुगानी को लेकर अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।